नमस्कार किसान भाई और पशुपालकों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ई ज्ञान कृषि। मैं हूं आपका दोस्त विकास। किसान भाइयों, आजकल जो है पशुओं में एक समस्या आम होते जा रही है, जो है दोस्तों पीछा फूल दिखाने की समस्या। दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है पशुओं के शरीर में खनिज तत्वों की कमी हो जाना, मिनरल्स की कमी हो जाना, कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाना। इसके लिए दोस्तों आपको करना ये चाहिए कि अपने पशु को जो है रेगुलर मात्रा में जो है आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, जिससे समस्या नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों कई बार ये समस्या हो जाती है, जिसके कारण से दोस्तों पशु तो परेशान रहता है और हमारे किसान भाई हैं वो भी परेशान रहते हैं। इसको दोस्तों जल्द से जल्द उपाय करना है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, और 10 में से दोस्तों 9 पशुओं के लिए पक्का इलाज है। दोस्तों आप जो है इसको एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों इस उपाय में हमें जो है माजू फल की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ये जो माजू फल होता है दोस्तों, इसे कई जगह पर माया फल भी कहते हैं, माय फल भी कहते हैं। दोस्तों ये जो माजू फल होता है ये पशु के गर्भाशय को संकुचित करने का काम करता है दोस्तों, जिससे हमारे पशुओं को पीछा फूल दिखाने की समस्या में बहुत आराम मिलता है। और ये खास तौर पर हमारे जो पशु हैं दोस्तों जिसकी योनियाँ बाहर आती हैं, उसके लिए ये रामबाण दवा है दोस्तों। तो इसलिए आज इसका उपयोग करेंगे, और इसका जो है हमको 3 PC लेना है दोस्तों, और उसे जो है हमें अच्छे तरीके से कूटना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है सिलबट्टे वगैरह में इसे आसानी से कूट सकते हैं और ये बिल्कुल पाउडर है तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल पाउडर है तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे जो है एक बर्तन में ले लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 10 ग्राम के आसपास काली मिर्च। ये जो काली मिर्च होती है दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है और जिसके कारण से ये हमारे पशुओं के पेट के कीड़े को तो मारती है, साथ में जो गर्भाशय के आसपास जो फैट होता है उसको कम करता है, जिससे हमारे पशुओं को पीछा फूल में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है दोस्तों। और जो पीछा फूल है वो बहुत ही जल्दी अंदर भी चला जाता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना है। और इसे जो है हमें अच्छे तरीके से कूटना है। तो चलिए इसे भी जो है इस मिश्रण में डाल देते हैं, और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 1 पाव के आसपास घी। घी जो है दोस्तों हमको जो है यहाँ पर इन दोनों सामग्रियों की तासीर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हमने ली है, माजू फल और जो काली मिर्च, ये दोनों की तासीर गर्म होती है दोस्तों, उसकी जो नकारात्मक प्रभाव है दोस्तों उसको ये कम करने का काम करता है। तो इसे हमें ले लेना है, और इसे भी चलिए हम इस बर्तन में डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो घी का इस्तेमाल करना है, अगर आप गाय के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको भैंस का घी, और अगर भैंस के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर गाय का घी ही इस्तेमाल करना है। तो इसे डालने के बाद दोस्तों हमें जो है अच्छे तरीके से मिला लेना है, और अब हम जो है इसे अपने पशु को दे सकते हैं। इसे देने का तरीका ऐसा दोस्तों कि इसे जो है हमें अपने पशु को सुबह सुबह जब वो दाना चारा खा करके आराम से बैठ जाती है, तभी जो है दिन में एक बार दे देना है, और लगातार जो है दोस्तों 4 से 5 दिनों तक करना है, जिससे हमारी गाय और भैंस की जो पीछा फूल दिखाने की समस्या है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज के वीडियो में जानकारी, और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है दोस्तों उसको दबा लें ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।